वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीमीटर से एमसीबी को और पुश बटन वगैरह को चेक कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वोल्ट मीटर से। तो गाइस, ये वोल्ट मीटर बेसिकली हर जगह पर मिल जाता है और यह आपने कहीं देखा भी होगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको अपन मल्टी मीटर भी बोल सकते हैं और क्लैंप मीटर भी बोल सकते हैं। क्लैंप मीटर, यह क्लैंप मीटर इसलिए होता है कि अपन को कई लोड वगैरह या एम्पियर वगैरह चेक करना हो उसके लिए अपन इस नॉब को ए पर सेट कर देंगे और इस क्लैंप को एक वायर में डालकर अपन एम्पियर चेक कर सकते हैं। और ये होता है वोल्टेज चेक करने के लिए। घरों वगैरह में वोल्टेज चेक करने पर अपन को वी के इस साइन पर रखना, ये एसी का साइन होता है। और डीसी वोल्टेज चेक करना हो, बैटरी वगैरह कुछ चेक करना हो, तो ये डीसी वोल्टेज है 1000 के लिए, इसमें साइन रहता है स्टेट साइन। लेकिन अब अपन को चेक करना है मोटर वगैरह कोई कंटिन्यूटी वगैरह, तो इस बजर पर रखना पड़ता है। मेन किसी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए ये बजर ज़्यादा काम में आता है, ये पॉइंट। तो जैसे कि अपन चेक करेंगे अब एमसीबी को कैसे चेक करना है, जैसे ये एमसीबी सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए अपन सबसे पहले इस नॉब को इस पॉइंट पर ले लेंगे, इसको कंटिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट पर लेने के बाद में अपन को इस मीटर में बीप की आवाज़ सुनाई देगी, ताकि ये अपना काम कर रही कि नहीं कर रही है, और मल्टीमीटर में 0 100 हो जाएगा। तो अपन अब चेक करते हैं। अभी जैसे कि ये ऑफ पोजीशन में अपना वोल्ट मीटर है, एमसीबी अभी ऑफ है, तो अपन चेक करेंगे। जैसे अभी ये ऑफ है तो कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन इसको जैसे ही ऑन करेंगे, ये मैंने एमसीबी को ऑन किया तो अपना बजर चालू हो गया, मतलब कि ये पोल इसका एमसीबी का सही है। और नेक्स्ट पोल अपन देखते हैं तो एमसीबी का ये नेक्स्ट पोल भी सही है। और अब थर्ड पोल देखेंगे, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, तो अपना ये थर्ड पोल भी सही है, तो मतलब कि ये एमसीबी सही है। लेकिन इसको ऑफ करने के बाद में इधर 1 आ गया, तो मतलब ये एमसीबी अभी ऑफ है। और ऑन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 0 0 0 और इस बजर की आवाज़ आ जाएगी। ये एम्स हो गया ये टेस्ट। लेकिन अब जैसे एमसीबी ये ऑन भी है, ख़राब है तो वो कैसे चेक करना है, उसका कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ख़राब है? तो उसका यही पता लग सकता है कि अपन पे जैसे ये बीप वगैरह नहीं बज रही है, इधर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो समझ लेना कि एमसीबी ख़राब है। लेकिन ये तो हो गया एमसीबी टेस्ट। अब जैसे कई पुश बटन वगैरह होते हैं अपने घरों में कि यार कि कोई बोलता है पुश बटन खराब हो गया, लेकिन अपना पुश बटन ख़राब नहीं होता है, पुश बटन के पीछे जो ये इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो ख़राब होते हैं। तो उसको इनको कैसे चेक करेंगे अभी बता देते हैं। सेम पोजीशन पे मीटर को रखना है अपने को, और ये पुश बटन को जैसे ग्रीन वाला है, एनओ पॉइंट है, इसको अपन प्रेस करके देखेंगे। ये प्रेस किया हमने मीटर में, बीप बज गई और ये छोड़ दिया, मतलब कि ये अपना पुश बटन सही है। लेकिन कोई पुश बटन ख़राब रहता तो अपन जैसे ही दबाते, लेकिन इसमें कुछ आता नहीं, मीटर में नहीं बताता, तो अपन को पता पड़ जाता कि ये अपना पुश बटन ख़राब है। ऐसा ही रेड पुश बटन को चेक करने के लिए ये एनसी रहती है, तो ये अपना ये डायरेक्ट ही जैसे ऑन नहीं है अभी तो ये बता रही है, लेकिन इसको जैसे ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया, मतलब कि अपनी ये पुश बटन भी सही है रेड वाला। और आपको एनओ एनसी में भी डिफरेंट बता देता हूँ कि जैसे ये एनसी है ये नॉर्मली क्लोज है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि एनओ एनसी कैसे काम करते हैं, वो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये एनसी है मतलब कि नॉर्मली क्लोज, तो इसमें अपना ये बता रहा है पुश बटन दबा नहीं है तो भी। और ये अपना एनओ है, इसमें पुश बटन बिना दबने पर कुछ नहीं बताएगा, जैसे ही पुश बटन दबाएंगे तो ये काम करेगा। अब गाइस बात करते हैं कि जैसे खराब एमसीबी को अपन कैसे चेक करेंगे। तो ये मेरे पास में एक खराब एमसीबी है जो मेरे को पहले से इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसको चेक कर रखी है। तो गाइस, जैसे ये एमसीबी इस तरह से, ये ऑफ है और ये ऑन है, तो अपन इसके इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो अपने को अभी कुछ नहीं बता रहा है ये ऑन है ऑफ है, इस तरह से अपन को
ये एमसीबी खराब पता पड़ जाएगी कि ये एमसीबी अपने को खराब है। ये जैसे दोनों पास में टच रहेंगे तो मतलब ये वोल्ट मीटर काम कर रहा है, लेकिन इस पे और इस पॉइंट पे लगाने पर अपना कुछ नहीं बता रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि एमसीबी ये खराब है और ये वाली एमसीबी सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करो सब्सक्राइब करो, भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आएगा। थैंक यू गाइस।